बांस की तरह ही एलिफेंट कहलाने वाला ये पौधा सेकेंडरी फॉरेस्ट्स यानी ऐसे जंगलों में पनपता है जो बड़ी आपदाओं के बाद दोबारा से उग जाते हैं। इसे विच ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल की चुड़ैल कहा जाता है और ये पौधा रात में अपना जादू टोना शुरू करने वाला है। जब रात में तापमान घटने लगता है तो ये पौधा अपना तापमान 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा लेता है। थर्मल इमेजरी से इसके तापमान में हुई वृद्धि साफ नजर आती है। जब इसकी बाहरी पत्तियां खुलती हैं तो तेज बदबू का एक बादल हवा में फैल जाता है। ये सड़ते हुए मांस की गंध होती है और इसकी तरफ वो जीव खींचे चले आते हैं जो मरे हुए जीवों को खाते हैं। कैरियन बीटल्स ऐसे मुर्दाखोर होते हैं जो मरे हुए जीवों के शव खाते हैं, लेकिन आज इनके साथ धोखा हुआ है। अंदर दाखिल होने के बाद फूल की चिकनी दीवारें बीटल्स को बाहर नहीं निकलने देती। यहां तो पंख फैलाने लायक जगह भी नहीं होती है। लगता है कि यहां से निकल पाना मुमकिन नहीं। लेकिन यह पौधा अपने बंदियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। सुबह होती है लेकिन इस फूल में कोई बदलाव नहीं होता। बीटल पूरे दिन इसी में कैद रहते हैं, लेकिन जैसे ही दूसरी रात शुरू होती है इस पौधे का जादू टोना जैसे पूरा हो जाता है। उन केसरों से निकलने वाला पराग अंदर मौजूद बीटल्स पर बरसने लगता है। पौधे की अंदरूनी चिकनी दीवारें अचानक खुरदुरी होने लगती हैं और आखिरकार कैदी बाहर निकलने के लिए आजाद हो जाते हैं। पराग से लदे ये बीटल यहां से निकल भागते हैं। इस बीच जंगल में मौजूद ऐसे ही अन्य पौधे भी सक्रिय होने लगते हैं। मांस के भूखे ये कीट उनकी गंध का लालच भी रोक नहीं पाते और इस तरह परागण सुनिश्चित कर देते हैं। तो इस तरह ये मौत के बजाय जिंदगी को पनपाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।